पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री गंगानगर में आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा प्रेस वार्ता में भगवान वाल्मीकि को अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस के राष्ट्रीय संचालक रवि द्रविड़ ने प्रदर्शन के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि श्री गंगानगर में आप पार्टी के नेता ने प्रेस वार्ता में हमारे इष्ट देवता भगवान वाल्मीकि जी को अपशब्द कहे हैं। हमने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि सदन में कानून पास किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। मेरा नाम रवि द्रविड़ है। हमने जिलाधिकारी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। श्री गंगानगर में आप पार्टी के नेता प्रेस वार्ता में हमारे इष्ट देवता भगवान वाल्मीकि जी को अपशब्द कहे हैं। हमने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही केंद्र सरकार से मांग करी है कि सदन में कानून पास किया जाए और ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई में मिला गिरफ्तार किया जाए एवं फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि समय समय पर कथावाचक लोग, नेता लोग, पॉलिटिकल लोग और तमाम जन समाज के लोग हैं वो भगवान वाल्मीकि जी को अपमान करने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि इस देश की संस्कृति की रचना करने वाले भगवान वाल्मीकि जी हैं, राम को जनाने वाले भगवान वाल्मीकि जी हैं, जितने भी तीज त्यौहार मनाता है हिंदू धर्म समाज वो सारे बताने वाले भगवान वाल्मीकि जी हैं। ऐसे भगवान को अपमान करने वालों को तुरंत कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में क्या देश में आंदोलन होगा, क्योंकि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज छोटा संगठन नहीं है, पूरे देश में कार्य करता है, 18 प्रांतों में कार्य करता है और पूरे देश में आंदोलन होंगे जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी।